यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी रियल नंबर्स सच दैट 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a इनटू b इज पॉजिटिव, देन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हैज। तो यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पे इस चीज का यूज करते हैं, क्या गिवन है, a इनटू b पॉजिटिव है। अगर अगर आप देखो a इंटू बी अगर पॉजिटिव है तो हम मैं ऐसे कह सकता हूँ b अपॉन a भी पॉजिटिव होगा। क्यों? जैसे मान लो a दोनों किसी दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों का डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो, या तो a इंटू बी पॉजिटिव है यानी या तो a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो b बाय a भी पॉजिटिव होगा। और दूसरा केस a नेगेटिव और b भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाए तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे भी अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट सॉरी इन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव आएगा। ये चीज समझ में आई? तो अब अगर मैं यहाँ से देखूं इस वाली इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए। हमने यहाँ पे देखा बी बाय ए की वैल्यू नेगेटिव है, बी बाय ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अब बी बाय ए पॉजिटिव और उसके आगे एक माइनस साइन लगा दूंगा तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा इस इक्वेशन का, नेगेटिव, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट अस से ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें अगर आप x को 2 रखते हो, इस इक्वेशन में अगर आप x को 2 रखोगे तो देखो क्या मिलेगा, 4a प्लस 2b प्लस c मिलने वाला है, यानी x इक्वल टू 2 पे ये 0 आ रहा है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। यानी ये है क्या, एक्चुअली ये है इस क्वाड्रेटिक की x इक्वल टू 2 पे वैल्यू जो कि 0 गिवन है। तो x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, पहली चीज। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमने अभी अभी डिड्यूस किया कि सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव है और एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट ऑब्वियसली नेगेटिव होगा और 2 से मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, तभी तो सम ऑफ द रूट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब बस इतना ही नॉलेज से हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, देन द इक्वेशन हैज ऑब्वियसली रियल रूट्स, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स तो हो ही नहीं सकते, एक्स इक्वल टू 2 एक रूट है, रियल रूट है। एग्जैक्टली वन रूट, अब एग्जैक्टली वन रूट क्यों नहीं हो सकता, एग्जैक्टली वन रूट अगर हो जाए यानी एक्स इक्वल टू 2 इसका रूट हो जाए तो दूसरा रूट भी एक्स इक्वल टू 2 होगा। एग्जैक्टली वन रूट का कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि दोनों रूट 2 और 2 हैं। अब दोनों रूट 2 और 2 हैं तो यहाँ से अगर आप देखोगे सम ऑफ द रूट कितना आएगा, 4, लेकिन सम ऑफ द रूट कितना आना चाहिए, नेगेटिव, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। रूट्स ऑफ सेम साइन, अब एक रूट आपने 2 निकाला, ठीक है, यानी ये वाला रूट क्या साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इस ऑप्शन के हिसाब से दूसरा रूट का साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरा रूट पॉजिटिव हो गया तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि सम ऑफ द रूट नेगेटिव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।